हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल जयका किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी, जो है गुलाब जामुन। और वो मैं बनाने वाली हूँ गेट्स पाउडर से, जो बहुत ही इंस्टेंट और झटपट बन जाते हैं। तो इसे बनाने से पहले, हमेशा की तरह, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाने से पहले मैं एक गुलाब जामुन कट करके दिखाऊंगी, ताकि आप एंड रिजल्ट से पहले देख पाएं कि गुलाब जामुन कैसे बने हैं। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन कितने जूसी बने हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए हम सबसे पहले गिट्स पाउडर लेंगे। मैंने 150 ग्राम गिट्स पाउडर लिया है। अब इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। इसे डालने के बाद हमें गर्म पानी से इसे गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसे चम्मच से मिक्स करें। ये ध्यान रखें कि पानी हमें एक ही बार नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे हमें मिक्स करना है। बहुत ही कम मात्रा में इसे गूंदने में पानी लगता है, ये हमें ध्यान में रखना है कि पानी हमें एक ही बार नहीं डालना है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे हमें गूंदना है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। डो हमारा बनकर तैयार है। गुलाब जामुन बनाने से पहले हम शुगर सिरप बना लेंगे। एक पैन में हम 2 कप चीनी लेंगे। तीन कप हमें इसमें पानी लेना है। गैस पे हम इसे रख देंगे चीनी जब तक घुल ना जाए। चाशनी को मैंने गैस पे रख दिया उबलने के लिए। अब हम गुलाब जामुन के लिए गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथ में हम थोड़ा तेल लगाएंगे और इस तरह से गोल बनाते हुए गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। ये ध्यान रहे कि गुलाब जामुन में क्रैक्स ना आए। चाशनी हमारी जब तक बन रही है, हम गुलाब जामुन सारे तैयार कर लेंगे। गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हैं, अब इसे हम तल सकते हैं। चाशनी भी हमारी बन चुकी है। इसे हमें ज़्यादा उबालना नहीं है, बस चीनी पिघलने तक इसे हमें उबालना है। एक हरी इलायची कूटकर हम डालेंगे। चम्मच से इसे मिक्स करें और गैस को बंद कर दें। चाशनी को हम ढक देंगे ताकि ये ठंडा ना हो जाए, और गैस पे हम कढ़ाई गरम करेंगे। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मध्यम गर्म तेल पे हम गुलाब जामुन को तलेंगे। आप चाहें तो इसे घी में भी तल सकते हैं। जितना कढ़ाई में गुलाब जामुन आ जाए उतना डाल दें। चम्मच से इसे हमें लगातार हिलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। ये ध्यान रखें कि गुलाब जामुन चारों ओर से तलकर गोल्डन ब्राउन हो जाए। गुलाब जामुन हमारा तलकर तैयार है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए गुलाब जामुन को हम कढ़ाई में डालेंगे। इसे भी हमें उसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। जब तक गुलाब जामुन हमारे तल कर तैयार हो रहे हैं, तब तक हम जो तले हुए गुलाब जामुन हैं चाशनी में हम डाल देंगे। ये ध्यान रहे कि चाशनी हमारी गर्म रहे। सारे गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दें और इसे ढक कर रख दें। गुलाब जामुन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। एक बार गुलाब जामुन तलने में 8 से 9 मिनट का समय लगता है।
गुलाब जामुन को हम निकालेंगे और इसे भी चाशनी में डाल देंगे। पहले वाले गुलाब जामुन आप देख सकते हैं, साइज इसकी देखिए कितनी दोगुनी हो चुकी है साइज। इसे भी हम चाशनी में डालेंगे। चम्मच से इसे अच्छी तरह से चाशनी में डुबो दें और इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि गुलाब जामुन पूरी चाशनी सोख चुकी है। गुलाब जामुन का साइज भी दोगुना हो चुका है। इसे हमें खाने के लिए 1 घंटा भी वेट नहीं करना है। 10 मिनट में गुलाब जामुन हमारी पूरी चाशनी सोख चुकी है। बहुत ही जल्दी स्वादिष्ट गुलाब जामुन हमारी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।